हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन में। मैं सुमित कुमार। फ्रेंड्स, हमारे लिए कुछ आदर्श हैं, जैसे हो गए नरेंद्र मोदी जी, स्वामी विवेकानंद, योगी जी, सिफू जी, सौर्य भारद्वाज, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और स्वर्गीय श्री राजीव चौधरी जी। तो फ्रेंड्स, ये सभी हमारे आदर्श हैं, इनको देख के हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया क्या 1962 में इतना कमज़ोर था कि चाइना से हार गया? आखिर क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से इंडिया हार गया चाइना से? क्या लीडरशिप फेल्योर था, या इंडिया की सेना कमज़ोर थी, या इंडिया के सेना के पास हथियार नहीं था? इन सब सवालों का जवाब जब हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया के कारण हारने के 1962 में चाइना से बहुत सारे कारण थे। जैसे नंबर वन पे इंटेलिजेंस फेल्योर। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही पता लगा लेती कि ऐसा कुछ होने वाला है चाइना से, तो हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। अगर इंटेलिजेंस को पता था और भारत सरकार को आगाह भी किया गया था, फिर भी अगर उन्होंने नज़रअंदाज किया उस टाइम के प्रधानमंत्री ने, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो ये तो बहुत गलत है। दूसरा नंबर है कि लीडरशिप फेल्योर। लीडरशिप को ये पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। 10% केसेस में नहीं, पर 90% केसेस में पहले ही लगभग कुछ न कुछ पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कौन सा देश क्या करने वाला है, कुछ ना कुछ तो पता हो ही जाता है। दूसरा नंबर, इंडिया का सेना उस टाइम इतना मॉडर्न थी नहीं, उनके पास पुराने हथियार थे, जंग लगे हुए हथियार। तीसरा नंबर ये हुआ कि उस टाइम ठंड का मौसम था और इंडियन आर्मी जो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख इन सब में बहुत ऊंचाई पे थी, उनके पास सही से मतलब ठंड झेलने लायक जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, फिर भी वो लड़ रहे थे। उनको पीछे से मदद नहीं मिल पाया सही ढंग से, क्योंकि चाइनीज ने वो जो तार वाला लाइन होता है वो काट दिया था पहले ही, लड़ाई शुरू होते ही उन्होंने, तो इंडियन आर्मी को पीछे से सपोर्ट भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अकेले ही पड़ गए लड़ने में। तो ये सब है मेन काउज। हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि हम क्या कर सकते थे जिससे कि 1962 का लड़ाई हम जीत भी सकते थे, लेकिन हारना पड़ा इंडिया के, मतलब एक इंडिया के लिए एक बदनुमा दाग सा हो गया है वो। और उस लड़ाई से नुकसान ये हुआ कि हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना के हाथ में चला गया, जिसमें कि वो मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत समेत वो पूरा एरिया चला गया, जो इंडिया के लिए बहुत ही पवित्र है, हिंदुओं के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे।